कुछ नहीं विकास होया, हमारे गांव का सबसे बुरा हाल है। 10 साल में अब ये कुंड वाली सड़क पे जाना आना होया है, कोई विकास नहीं है, खाली बातें करते हैं। 10 सालों की सरकार में एक सड़क का निर्माण में कितनी देरी की जा रही है? बहुत देरी हो रही है जी, यहाँ पे तो काम होया ही नहीं है। जिस गांव में तो पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या इसमें निकासी की। हाँ, पूरे तरह से रोड खराब है, नाला बन गया, बस रोड छोड़ दिए लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी, मैं हूं आपके साथ रविंदर गिरी गोस्वामी। दोस्तों, नेताओं के पीछे भागने से अच्छा और किसी कंट्रोवर्शियल न्यूज को दिखाने से अच्छा है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याएं दिखाएं। और हमने आज से शुरुआत कर दी है अपने गरौंडा हलके में, गरौंडा सिटी में और आसपास के गाँव में जो भी समस्या होगी ज़्यादा से ज़्यादा सरकार और प्रशासन के सामने लाकर हम उन समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे। ऐसी ही एक समस्या आज हमारे सामने आई है अलीपुरा गांव से। आइए चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। हाँ चंद्र प्रकाश जी, गाँव के अंदर एक सड़क का जो ये हालात जो है, बदतर हालात जो है, ये कब से हैं, क्या समस्या है? ये 2 साल के लगभग हो गए जी। जी, कई बार आ जाता है ठेकेदार, थोड़ा बहुत काम करके फिर चला जाता है। जी, 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 हमारी ये समस्या इतनी बनी हुई है, हम पैदल भी नहीं यहाँ से निकल सकते। जी, जी, तो ये पानी कब से खड़ा है? पानी तो हो गया जी, 1 साल सारा हो गया। जी जी, हाँ। तो तमाम जो ठेकेदार है, जनप्रतिनिधि है, अब ठेकेदारे से बात करें तो कहता है हमारे पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है। और गवर्नमेंट से बात करें तो कहता है कि भाई ठेकेदार को हमने टाइट कर दिया है, कल से काम चालू होगा। अखबार में निकल जाती है तो अगले दिन थोड़ा काम करा देते हैं, फिर नहीं आते एक महीना। तो चुनाव का मौसम चल रहा है और लगातार सरकार बड़े बड़े वादे करती है विकास कार्य को लेकर, खासकर ग्रामीण एरिया में। जी, गांव में बहुत विकास कार्य हुए हैं, कितने विकास? नहीं नहीं, कुछ नहीं विकास हुआ जी, कुछ नहीं विकास हुआ है, हमारे गांव का सबसे बुरा हाल है। जी, 10 साल में अब ये कुंड वाली सड़क पे जाना आना हुआ है, कोई विकास नहीं है, खाली बातें करते हैं। नेता बड़े बड़े आते हैं, ये अपने मुख्यमंत्री जी भी आए थे, वो कुंड से सीधा बरसत रोड चले गए, इस तरफ देखा भी नहीं उन्होंने। गांव के चारों ओर कोई जाने आने का रास्ता सही नहीं है, मेन पॉइंट है ये गांव का। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ कहाँ जाते हैं ये सड़क? ये जी गरौंडा से और कैमला और हरिसिंहपुर बरसत रोड पे निकल जाता है जी। तो ये हमारे कई गांवों का मेन पॉइंट है। हाँ, लेकिन यहाँ बड़ी परेशानी है, कई बार यहाँ आपस में, जैसे यहाँ को रास्ता नहीं है जाने का, ये गली में नहीं निकलती है, बसें स्कूटर या किसी का कार है, आपस में झगड़ा होता है। जी। वो आमने सामने हो जाते हैं, वो कहता है तू पीछे हटा, वो कहता है तू पीछे हटा, तो यहाँ रोज़ झगड़ा होता है। बस ये तो क्या कहना चाहेंगे जी, ये तो देख लो आपके सामने है ये हालात हो रहे हैं यहाँ, यहाँ कोई रिश्ते वाला भी नहीं आ रहा। सबसे बड़ी तो यही चीज़ है, यहाँ कोई रिश्ते वाला भी नहीं आता बच्चों के, बच्चे आजकल है हमारे यहाँ गांव में कोई रिश्ते वाला भी नहीं आता जी। ये काम देख के ना, सड़कें रास्ता ही नहीं है जी कहीं गाँव। हिस्सा कितना है ये? लगभग 100 से 150 मीटर का हिस्सा होगा, इससे ज्यादा तो नहीं। हाँ, ये यही 200 मीटर का है जी, ये 200 मीटर। हाँ हाँ, परेशान कर रखा है। हाँ जी, बहुत परेशान है। ऐसा तो अभी जो कोंट से अली परे वाला था पहला रास्ता, ये 3 किलोमीटर का बिल्कुल खराब था, अभी बन के तैयार हुआ है, वो तो हो गया है, मगर ये जो समस्या है ना, ये लगातार बनी हुई है। राजा जी, सड़कों का मूलभूत निर्माण की बात करें तो पंचायती राज में मूलभूत ये चीज़ें जो हैं सबसे पहले लाई जाती हैं। तो मानते हैं कि इतने सालों में, 10 सालों की सरकार में एक सड़क का निर्माण में इतनी देरी की जा रही है? बहुत देरी हो रही है जी, यहाँ पे तो काम होया ही नहीं है। जिस गांव में तो पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या इसमें निकासी की है। इस गाँव में ये पानी निकास घरों का है या बारिश का होता है? ये घरों का है जी, घरों का। हाँ जी, हाँ जी, पानी की निकासी है। नाला तो बना रखा है? नाला तो ऊंचा बना दिया जी सड़क से। हाँ, सड़क नीची है और सड़क ये आपके सामने खुद ही पड़ी है, इसके लेवल में आएगी तो तब नाले में पानी जाएगा। इलेक्शन का दौर चल रहा है तो क्या मूड है यहाँ की जनता का? जनता का मूड ये है जी, सरकार के खिलाफ ही वोट करेगी अब की बार यहाँ। वजह सिर्फ ये टुकड़ा? हाँ हाँ, टुकड़ा नहीं जी, यहाँ बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं जो नहीं मिल रही हमारे को। किस तरह की? जैसे देखो, ये फैक्ट्री एरिया है, इंडस्ट्रीज एरिया है, इसमें एक तो प्रदूषण बहुत हो चुका है यहाँ, पानी की दिक्कत। हाँ, पानी की दिक्कत है बहुत ज्यादा, यहाँ निकासी नहीं है मेन चीज, तो पानी बहुत खराब हो चुका है जी। फैक्ट्री वालों ने भी क्या कर रखा है, नीचे बोर करके ना, जब पानी कहीं जाएगा तो नीचे बोर के जमीन में उतार रखा है। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो चुका है गांव में। गांव से तो लोग पलायन
करने लग रहे हैं। सरपंच से मिले हैं, विधायक से मिले हैं इसको लेकर? कई बार मिले जी हम विधायक से भी, विधायक भी वो सवाल ही बात है, एक गदर फिल्म का डायलॉग है जी, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, वो भी आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं है। तो क्या किस तरह की दिक्कतें हैं आप लोगों को यहाँ पर? बस यही बच्चे खेलने के लिए बाहर ना निकल पाते हैं, और जो कि बस वस आते हैं तो बच्चे उल्टे जाना पड़ता है उधर से। अरे यही समस्या है कि कब बच्चे से खराब है? हम तो 4 साल से आए हैं, कभी हम अलीपुरा के विकास ना देखे हैं। तो कभी अलीपुरा में विकास नहीं हुआ है, पीछे भले हट गए, पहले किचड़े थे, फिर रोड बनवाए थोड़ा सा, फिर छोड़ दिए लोग, फिर पानी नाला के आने लगा। तो क्या क्या मांग करते हैं? क्या अब रोड की मांग होगा कि बच्चे के स्कूल तो छूट रहा है, बच्चे स्कूल ना जा रहे हैं लोग। तो कोई रिश्तेदार भी नहीं अपने घर में? रिश्तेदार क्या करने आएंगे, जब इतने किचड़े रहेंगे तो वापस जाएंगे उधर से, गाड़ी यहाँ चरपहिया है यहाँ से वापस चले जाते हैं कि रोड निकल पाएगा या ना निकल पाएगा। पूरी तरह से खराब है? हाँ पूरी तरह से रोड खराब है, ये नाला बन गया, बस रोड छोड़ दिए लोग। रमेश है जी मेरा नाम, रमेश कुमार। रमेश जी, क्या दिक्कत है ये? ये 2-3 साल से ऐसे ही चल रहा है जी। हाँ। इसके टेंडर भी हो गए, ये भी 6 महीने हो गए मेरी गल के, जनवरी हाँ। से पहले ही शुरू कर दे, पट पट गिर दी, ये बनाने वाला कभी आ जाए कभी नहीं। जो इंटे थी और उखाड़ के ले गए, ये जो पहले थी। किस तरह की आप लोगों को यहाँ पर जो लोग आसपास के रहते हैं उनको दिक्कतें क्या क्या? दिक्कतें आने जाने वाले हैं, बच्चे हैं, सवेरे की बात है आज एक स्कूटी फिसल गई, उसको लेडीज को चोट लग गई, बल्कि वो हमने उठाएगा बेचारी ओ कर उठाई है मैंने, अब यही परेशानी ज्यादा है जी। हम तो सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि भाई इसको जल्दी से जल्दी ठीक हो करवाया जाए, मच्छर मक्खी बहुत ज्यादा हो गया, इसमें पैदल भी आदमी जा नहीं सकता है यहाँ से। हमारे जो गरोंडा के विधायक है उनको विकास पुरुष कहा जाता है, विकास पुरुष से मिले थे? उसको बोले है जी, उन्हें भी आश्वासन दिया है हमारे को कई बार। हाँ। भाई हो जाएगा, ये पीछे बल्कि सरपंच ने बात की थी, बल्कि वो आए दो तीन दिन पहले आए, फिर नहीं आए, फिर बंद हो गए, आश्वासन ला रहे ही दिए जा रहे हैं। हाँ। अभी जो इलेक्शन चला हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उम्मीदवार हैं, वो भी इसी विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये क्या आपका मुद्दा रहेगा इस इलेक्शन? हम तो वोट ही नहीं गिराने जाते जी, पब्लिक का यही है जी, इतने परेशान हो गए, हम वोट ही नहीं गिराने जाते, वोट ही नहीं गिराने। हमारे गाँव के आदमी सबकी आपस में सलाह है, वोट ही नहीं डालेंगे। अच्छा, इस विकास की वजह से आपके रिश्तेदार यहाँ आते हैं, नरकिया जीवन है, कैसा महसूस करते हैं ऐसे? बस लोग गालियां दे, मैं गांव में क्या क्या लोग गांव वाले गाली दे। तो दोस्तों, हमने आपको दिखाया कि एक जो सड़क है वो किस तरह तालाब का रूप ले चुकी है, और लोग करीब पिछले 1 साल से इस सड़क से परेशान है। तो आप लोग इस खबर को इतना शेयर कर दें कि ये खबर संबंधित अधिकारियों के और इन नेताओं के पास पहुंच जाए और इन लोगों की इस समस्या का समाधान हो जाए। बाकी ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अर्थ प्रकाश टीवी के साथ। मैं हूं रविंदर गिरी गोस्वामी घरोंडा से, धन्यवाद।